हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। हमसे पूछ रहा है, हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, कि जो ग्रिफिन है साइंटिस्ट, दोस्तों एक बहुत ही अच्छी टर्म है, एक साइंटिस्ट के नजरिए से ग्रिफिन को आप कैसे देखोगे, ये हमसे पूछा गया है। बेसिकली दोस्तों देखिए, जो ग्रिफिन है काफी इंटेलिजेंट तो जरूर होगा, क्योंकि उसने एक ऐसी इन्वेंशन करी है जिसकी मदद से वो खुद को इनविजिबल बना सकता है। काफी बड़ी इन्वेंशन है दोस्तों, तो ऐसी इन्वेंशन करने वाले साइंटिस्ट को एक जीनियस तो कहा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, पर दोस्तों क्या उस इन्वेंशन को उसने सोसाइटी के लिए सही तरीके से यूज किया या गलत तरीके से, इससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमने कहानी में देखा कि उसने सही काम नहीं किए, वहां पे वो एक लॉलेस पर्सन बन गया, उसने अपनी शक्तियों का, पावर का उसने फायदा उठाया। तो इसीलिए दोस्तों कहा जा सकता है कि ये साइंटिस्ट जीनियस है, ब्रिलियंट है, पर नोबल नहीं है। नोबल साइंटिस्ट उन्हीं को कहा जाएगा जो कि सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए, एक बेटरमेंट के लिए काम करे। यहाँ पे ग्रिफिन ने बेटरमेंट जैसा कुछ भी नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होगा, पर नोबल साइंटिस्ट वो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लिख सकते हो, रिटन सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, उसको भी जरूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पे इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसका रिविजन लेक्चर भी अवेलेबल है, आप उसको भी जरूर विजिट कीजिए। आपको पता लग जाएगा कि कैसे इस पूरी कहानी को शॉर्ट में हम बहुत ही जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर्स समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।